वेलकम टू माई न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम करने वाले इन सारे गमलों की सफाई। एंड गाइस, जितने भी गाइस वेस्टीज पौधे, जंगली पौधे गाइस जो होंगे हमारे किसी भी काम के नहीं गाइस, उन सारे पौधों को गाइस आज हम उखाड़ने वाले हैं इन सारे गमलों में से। एंड गाइस, उसी के साथ साथ जो भी गाइस इसमें वेस्टीज पड़ी होगी गाइस, सूखे हुए पत्ते वगैरह गमलों में होंगे, तो उन सारे पत्तों को भी गाइस आज हम करने वाले हैं साफ। सो गाइस, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। एंड गाइस, हम 3 दिन लगातार गाइस गमलों पर ही वर्क करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। आज करेंगे गाइस हम सारे गमलों की सफाई, एंड कल करेंगे गाइस बुनाई, और परसों करेंगे गाइस खाद डालेंगे। एंड गाइस, खाद के साथ साथ ही अगर मिट्टी किसी गमले में कम होगी तो मिट्टी भी डालेंगे। सो गाइस, आपको ये सारी वीडियो अगर रेगुलर देखनी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड करना है वीडियो को लाइक। सो गाइस, फटाफट से चलते हैं गमलों की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस, शुरुआत करते हैं फटाफट से इस वाले गमले से, इसमें देखते हैं पहले। सो गाइस, इस वाले गमले में तो मुझे कुछ भी कचरा नहीं दिख रहा है वैसे तो। और गाइस, अगर कुछ ये सूखे पत्ते अगर होते भी हैं तो गाइस हम इनको इसमें ही छोड़ देंगे, सूखे जितने भी पत्ते हैं इनसे होगा गाइस, ये हम कल करेंगे बुनाई, तो सारे इसमें ही मिल जाएंगे। सो इसके लिए गाइस बेनिफिट है, गमले के लिए मिट्टी में गाइस मिल जाते हैं। सो गाइस, क्या बेनिफिट है अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो चैनल पर जाके फटाफट से देख लो। सो गाइस, शुरुआत करते सो गाइस इसी के आगे वाले गमले, इससे शुरुआत करते हैं हम गाइस। इसमें ये जितनी भी घास है गाइस ये सब उखाड़ देते हैं, क्योंकि गाइस ये मिट्टी हो चुकी है ऊपर ऊपर की ख़राब, तो हमें ये चेंज करनी होगी गाइस, मिट्टी हल्की हल्की से ऊपर की, तो हम इसको निकालेंगे घास को भी, और गाइस मिट्टी भी निकाल के चेंज करेंगे गाइस। जिन जिन गमलों की मिट्टी ख़राब है गाइस उनको भी हम चेंज करेंगे। तो गाइस ये फटाफट से ले लेते हैं सारी फूल वाली घास है गाइस। वैसे गाइस उखाड़ने से मतलब, अगर आप लोगों को लग रहा है गाइस मैं इस सारी घास को उखाड़ रहा हूँ और ये वापस नहीं आएगी, सो गाइस ऐसा मत सोचना, ये वापस उग जाएगी अपने आप ही, क्योंकि इसकी जड़ गाइस गमले में ही रहेगी और ये हल्की सी जड़ से ही गाइस चल जाती है, बहुत ख़तरनाक। सो गाइस, ये जितनी भी इनको निकाल लेते हैं फटाफट से। सो गाइस, ये चेक करो सारी गाइस ये निकाल ली मैंने, इनको रख देते हैं गाइस इधर, बाद में सब एक साथ करके कचरा जितना भी होगा गाइस वो फेंक देंगे हम। सो गाइस, आगे वाले गमले में चेक करते हैं, इसमें गाइस थोड़ी बहुत घास आ रही है, तो इस घास को भी उखाड़ना होगा। ये रही गाइस, इधर की साइड भी है थोड़ी बहुत, तो इसको भी उखाड़ लेते हैं फटाफट। सो गाइस, ये घास तो उखाड़ चुकी है, और आगे देखते हैं आगे वाले गमलों में। सारी घास गाइस, जितनी भी घास है ये वेस्टेज, इस सबको उखाड़ लेते हैं हम फटाफट फटाफट से। और चेक करते हैं गाइस, ये रही इतनी सारी घास, इस सबको भी उखाड़ते हैं। गाइस चेक करो कितनी सारी घास है गाइस, इस घास से गाइस ये हमारे जितने भी गाइस काम के पौधे होते हैं ना, उनको गाइस ये जो घास वगैरह ये ख़राब पौधे जो होते हैं गाइस उनको बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि गाइस होता ये है जो गाइस ये ख़राब पौधे ना, इनकी जो जड़ें हैं ना गाइस उससे स्पेस घेर लेते हैं ये, और जो हमारे काम के पौधे होते हैं ना गाइस उनको जगह मिलती ही नहीं उनकी जड़ों को, इसीलिए गाइस वो बढ़ नहीं पाते हैं। सो और आगे चेक करते हैं। सो इसमें एक गाइस ये है गुलाब की पंखुड़ी, तो ले लेते हैं सारा कचरा इसमें, देखते हैं गाइस। सो इसमें भी गाइस हल्की फुल्की चेंज करेंगे हम मिट्टी। सो ये घास उखाड़ लेते हैं बिल्कुल ही पूरी, इधर भी आ रही है गाइस ये घास, तो इसको उखाड़ लेते हैं इधर से। गाइस कुछ दिनों में सारे गमलों में बिल्कुल रिपेयरिंग हो जाएगी गाइस, ये सब देखना है गाइस, तो करना होगा चैनल को आपको सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, एंड गाइस एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सो गाइस फटाफट से करते हैं बिना किसी देरी के गमलों की सारे की सफाई, गाइस सारी घास को भी उखाड़ लेते हैं। सो गाइस ये चेक करो कितना सा मतलब कितनी सी जगह से ये फूट चुका है मीठा नीम, कितनी छोटी सी जगह से गाइस मीठा नीम फूट चुका है। और ले लेते हैं गाइस, और देखते हैं गाइस ये रही घास इतनी सारी, इस सारी घास को भी निकालते हैं। सो गाइस सारी घास को फेंक देते हैं फटाफट से उधर की साइड, फिर बाद में फेंक देंगे इकट्ठा करने के बाद, सारी घास ले लेते हैं फटाफट से। गाइस ये घास है ना बहुत दूरी दूरी पे उग रही है, तो एक एक तोड़नी पड़ रही है बहुत, एक एक। और सो गाइस अभी ये इतनी बड़ी भी नहीं है, वैसे तो घास छोटी छोटी सी ही है, बट गाइस अभी से अगर हम तोड़ देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गाइस किसी काम की भी नहीं होती है घास।
सो आप देख ही सकते हो कितनी सारी ये उग रही है। सारी घास को निकाल देते हैं गाइस फटाफट से। सो गाइस इस गमले में से भी मैंने सारी जो घास थी वो सब समेट लिए एंड इसको फेंक देते हैं इधर और देखते हैं गाइस और कुछ भी हो तो उसको भी ले लेते हैं फटाफट से। बट गाइस और तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर वाले गमलों में। अब गाइस इधर वाली हमारी जो पूरी लाइन रह गई है इसमें भी गाइस हम चेक कर लेते हैं फटाफट। सो गाइस शुरुआत करते हैं इस वाले गमले से इधर से। सो गाइस इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें एंड इधर भी कुछ नहीं है गाइस। ये गाइस बैगन का जो हमने पौधा ट्रांसफ़र किया था गाइस ये वाला तो सूख गया बट ये चल रहा है गाइस। ये सूखने के बाद वापस गाइस इसमें न्यू न्यू पत्ते आने लगी हैं। चेक करो यहाँ यहाँ पे सब जगह गाइस न्यू न्यू पत्ते आ रही हैं और एक बैगन भी आ रहा जो कि इतना बड़ा है। फाइनली गाइस ये कुछ और इतना साइज़ हो जाएगा गाइस उसके बाद मैं इसे तोड़ लूँगा एंड और चेक करते हैं। सो गाइस ये सूख चुकी है, ये ऊपर से गाइस मुँह सूख चुके हैं। गाइस ये सूखे हुए जो भी मुँह है इनको तोड़ लेते हैं। सारे गाइस ये सूखे हुए जो भी है इनको सबको तोड़ लेते हैं सूखे सूखे हुए ताकि गाइस इसे भी स्पेस मिलेगा। वैसे गाइस सेम फलियाँ चेक करो आप, सेम फली कितनी सारी अच्छी आ रही हैं, लग भी गाइस अच्छी रही हैं सारी। सो गाइस और चेक करते हैं इधर। सो और तो नहीं दिख रहा वैसे कचरा इधर, इसको इधर ही डाल देते हैं। इनमें और देखते हैं गाइस अगर कहीं दिख जाए कचरा तो। ये रहा दिखा गाइस कुछ। सो गाइस इधर और चेक करते हैं, इधर भी नहीं है एंड गाइस इधर है थोड़ा बहुत कचरा तो उसे भी निकाल लेते हैं। ये देखो गाइस कितना सारा निकल रहा है कचरा, सारा कचरा समेट लेते हैं गाइस सारा। सो गाइस फाइनली कचरा तो समेट लिया हमने सारा इस वाले गमले में से एंड आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। सो गाइस ये देखो मिट्टी गाइस इस तरीके से ख़राब हो चुकी है। सो गाइस हमें ये तीन दिन जो चार दिन गाइस ये गमलों पे मैं बिल्कुल वर्क करने वाला हूँ उस सब में गाइस ऐसी ख़राब मिट्टी सारी निकाल के गाइस बिल्कुल नई नई मिट्टी भी डालनी होगी हमें सारे गमलों में। उसके बाद ही गाइस ये हमारे जो पौधे हैं गाइस अच्छी तरीके से चलेंगे एंड गाइस सब्जियाँ वगैरह जो भी है अच्छी तरीके से आएगी। सो गाइस आप भी अगर ऐसी ख़राब मिट्टी को गाइस वापस से अच्छी बिल्कुल पोषक तत्वों वाली बनाना चाहती हूँ तो गाइस तीन दिन की जो मेरी वीडियोस है वो सब देख लेना गाइस चैनल पे जाके एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो और चेक करते हैं इस वाले गमले में। वैसे ये आ रही है घास बिल्कुल न्यू आ रही है, इसको भी तोड़ लेते हैं। गाइस कुछ पत्ते भी हैं तो इनको भी निकाल लेते हैं हम इसमें से। सो गाइस फाइनली हो चुका है सारा काम कंप्लीट। अब ये जितना भी गाइस कचरा है इसको फेंक देते हैं गाइस सबको समेट के नीचे ताकि गाइस गंदगी ना हो नीचे बोले तो गाइस सामने वाले प्लॉट में। सो गाइस फेंक देते हैं फटाफट से इसको सारे कचरे को। ये देखो गाइस और ये जाएगा अब सामने वाले प्लॉट में। सो गाइस ये जा चुका है सारा ही बचा हुआ गाइस जितना भी छोटा मोटा और कचरा है उसको भी समेट लेते हैं। ये देखो बचा हुआ है अभी तो बहुत सारा। इस सारे कचरे को भी गाइस हम समेट लेते हैं एंड उसके बाद इसको भी फेंक देते हैं। सो गाइस फाइनली हो चुका है सारा कचरा समेट लिया अभी ने, एक दो पत्ते और बच गए इनको और समेट लेते हैं गाइस। सो अब ये सारे जाएंगे गाइस नीचे एंड गाइस आज की जो वीडियो उसे यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, वैसे तो नहीं भूलोगे आप क्योंकि मैंने इतनी बार जो कह दिया। सो बाय।